नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निक ऑडियंस में। वैसे तो इंडिया के अंदर लेटेस्ट लॉन्च टाटा कर्व का हुआ है, जो कि एक कूपे स्टाइल एसयूवी है, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि रेनो भी अपनी एक 300 हॉर्स पावर वाली कूपे स्टाइल एसयूवी को इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम है रेनो राफेल ईटेक हाइब्रिड। इसके नाम में हाइब्रिड सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि इस कार के साथ में हमें हाइब्रिड इंजन ऑफर किया जाने वाला है, लेकिन आपको बता दूं कि इस कार के साथ में हमें सिर्फ हाइब्रिड ही नहीं प्लग इन हाइब्रिड इंजन ऑफर किया जाने वाला है, जिसके साथ में हमें ये कार माइलेज प्रोड्यूस करके देगी अराउंड 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर का। अब वैसे तो इस कार से जुड़ी सभी चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग इस कार के बारे में चीज लगती है वो इसका प्लग इन हाइब्रिड सिस्टम और इस कार की 300 हॉर्स पावर। यानी कि यार टोयोटा फॉर्च्यूनर भी 200 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, लेकिन ये कूपे स्टाइल एसयूवी 300 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और उसके साथ में 35 kmpl का माइलेज। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम यही देखने वाले हैं कि आखिर कितने साइज का इसके कार के साथ में हमें इंजन देखने के लिए मिलता है, क्या प्लग इन हाइब्रिड सिस्टम है जिसकी वजह से इतना शानदार माइलेज और हमें पावर देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि टेक्निकली अगर हम स्टार्ट करते हैं तो यहां पर ईटेक हाइब्रिड सिर्फ 200 हॉर्स पावर ही प्रोड्यूस करती है। वो किस तरीके से, आइए जानते हैं। सबसे पहले इस कार के साथ में हमें 3 सिलेंडर का 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलता है, जो कि अराउंड 150 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। लेकिन इस कार के साथ में हमें एक न्यू टर्बो चार्जर भी दिया जाता है इसके फ्रंट व्हील ड्राइव और इंजन के पास ही। इसी के साथ में यहां पर एक इनहेंस करने के लिए इसकी परफॉर्मेंस को हाइब्रिड ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स का सिस्टम दिया गया है। इसी के साथ में फ्रंट व्हील ड्राइव पर ही अटैच है एक ई मोटर जो कि प्रोड्यूस करती है 70 हॉर्स पावर। सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी पावर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए यहां पर हाई वोल्टेज का स्टार्टर जनरेटर भी दिया गया है, जो कि 35 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। वे प्लग इन हाइब्रिड सिस्टम वाली कार है तो यहां पर एक बैटरी पैक का होना भी बहुत जरूरी है। तो यहां पर इसके सेंटर वाले पार्ट में दिया गया है 22 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक, जो कि 400 वोल्ट का है। और ये कार हमें ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ में मिलती है, तो यहां पर इसके रियर व्हील में इंटीग्रेट की गई है एक और ई मोटर जो कि अराउंड 136 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। और यहीं इसके रियर व्हील के पास में ही एक अटैच किया गया है एसी चार्जर जो कि 7 किलोवाट का है। यहां पर आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि इतनी ज्यादा हॉर्स पावर हमें क्यों मिल रही है। एक आगे फ्रंट व्हील ड्राइव में यहां पर मोटर दी गई है, एक रियर व्हील में मिल जाती है, 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहां पर कई मोड्स भी हैं जहां पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ये कार अपने आप ही मैनेज कर लेती है अपनी फ्रंट व्हील, रियर व्हील और ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम को। आपको कोई भी जरूरत नहीं है कि आपको मैन्युअली शिफ्ट करना पड़ेगा कि फोर व्हील ड्राइव पर लगा दें या फिर रियर व्हील ड्राइव पर, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको राइड का मजा लेना, आपकी जरूरत के हिसाब से अपने आप ये अटैच कर लेती है, अपने आप देख लेती है किस तरीके से मुझे कौन से मोड की जरूरत है। और आपकी इसी जरूरत को समझने के लिए यहां पर इस कार के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोड्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम समझेंगे 100% इलेक्ट्रिक मोड को, जिसमें ये कार सिर्फ इलेक्ट्रिक पर ही रन होने वाली, यानी कि इसके बैटरी पैक पर ही रन होने वाली, और ये मोड अपने आप कार डिमांड करती है, यहां पर आपको सिग्नल दे देती है कि 100% इलेक्ट्रिक ड्राइविंग मोड को आप यहां पर एक्सेस कर सकते हैं। 100% इलेक्ट्रिक मोड के साथ में यहां पर 100 किलोमीटर की आपको रेंज मिल जाती है। अपने आप आपकी स्पीड जिस तरह की होगी कार में, उसी तरीके से अपने आप अडेप्ट कर लेगा ये फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव या फिर ऑल व्हील ड्राइव को। अब ये किस तरीके से वर्क करता है, आइए उसे भी समझते हैं। अब यहां पर इलेक्ट्रिक मोड के अंदर अगर आप 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे रन कर रहे हैं तो यहां पर आपके फ्रंट व्हील ड्राइव वर्क करने वाले हैं। अगर आप 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर जाते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, तो वहां पर रियर व्हील ड्राइव अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं, फ्रंट व्हील ड्राइव बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अचानक से एकदम हार्डली एक्सेलरेट कर देते हैं तो वहां पर इसका ऑल व्हील ड्राइव फंक्शन शुरू हो जाता है और फोर व्हील यहां पर ड्राइविंग पोजीशन में आ जाते हैं। और आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक मोड पर यहां पर हमें 135 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड इस वाली कार में देखने के लिए मिलेगी। ये तो फंक्शन हो गया कि कार अपने आप अडेप्ट कर लेती है कौन से मोड में उसे चलना है, फ्रंट व्हील और रियर व्हील या फिर ऑल व्हील किस में चलना है, आपकी स्पीड के हिसाब से अपने आप एक्सेस कर लेती है। लेकिन इसमें एक और मोड मिलता है जिसका नाम है डायनेमिक हाइब्रिड मोड। वाले मोड के अंदर आपको कमाल की पावर देखने के लिए मिलती है, मल्टी सेंस है जो कि एडजस्ट कर लेते हैं इंजन की हाई परफॉर्मेंस को और इसकी बैटरी की परफॉर्मेंस को, जहां पर हमें फोर व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ में बहुत ही कमाल की पावर देखने के लिए मिलती है। इस वाले मोड के अंदर आपको परमानेंट टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलेगा इसके फ्रंट और रियर व्हील्स पर। यही वो मोड है जहां पर हमें 300 हॉर्स पावर देखने के लिए मिलती है, क्योंकि यहां पर इसकी बैटरी और इंजन दोनों ही पूरी तरीके से वर्क करते हैं और 300 हॉर्स पावर हमें मिलती है। इसी के साथ 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ये कार रीच कर लेती है सिर्फ 6.4 सेकंड में और 80 से 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को रीच कर लेती है सिर्फ 4 सेकंड्स में। अब एक प्लग इन हाइब्रिड सिस्टम वाली कार को आप लेते हैं तो आपको लगेगा कि बार बार आपको उसे चार्ज करना पड़ेगा, 4-5 घंटे या फिर 6-7 घंटे पूरी रात आपको उसे चार्जिंग पर लगाना पड़ेगा। तो इस कार के साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कार सिर्फ 2 घंटे 55 मिनट में 0 से 100% फुल्ली चार्ज हो जाती है और चलने के लिए तैयार हो जाती है। तो चलिए अब वीडियो में आगे बात करते हैं कार के इंटीरियर, एक्सटीरियर, इसके लुक्स, इसके अलावा इसकी प्राइस और लॉन्चिंग डेट के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कार की फ्रंट प्रोफाइल से। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका ग्रिल। यहां पर आपको 3D फ्रंट ग्रिल दी गई है विद सैटिन समिट ब्लू बैकग्राउंड के साथ में। ग्रिल
के सेंटर में यहीं पर आपको थोड़ा ब्लैक और स्मोकी सी फिनिश में रेनो का नया वाला लोगो देखने के लिए मिलेगा। फ्रंट में आपको कैमरा मिल जाता है। इसके अलावा एक आपको कैमरा दिया गया है इसके फ्रंट ग्लास पर, क्योंकि इस कार के साथ में आपको लेवल 2 एडास सिस्टम भी ऑफर किया जाता है। लोअर ग्रिल के पार्ट को देखेंगे तो ये पूरी तरीके से आपको लाइन से डिजाइन में दिया गया है और ब्लैक फिनिश में ही मिलने वाला है। बात करें हेडलैम्प्स की, बहुत ही प्यारे और एक शार्प सा डिजाइन यहाँ पर इसके हेडलैम्प्स मिलेगा। एलईडी हेडलैम्प्स हैं, कोई भी फॉग लैम्प की प्लेसमेंट तो नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर डीआरएल्स को देखेंगे तो इसके बंपर वाले पार्ट पर, लोअर पार्ट पर यहाँ साइड में एडजस्ट किए हुए हैं, जो कि एक थोड़े से एरो टाइप का लुक और एक और क्रेजी सा और थोड़ा शार्प सा डिजाइन प्रोवाइड करते हैं इस कार के फ्रंट प्रोफाइल को। चेकआउट कीजिए एक बार कार की साइड प्रोफाइल को, वही कूपे स्टाइल एसयूवी वाला लुक है। स्लोपी रूफ लाइन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। बात करें व्हील्स के बारे में, 20 इंच के यहाँ पर कैस्टरलेट ब्लैक डायमंड कट एलॉय व्हील दिए गए हैं, जो कि आपको स्मोकी ग्रे क्लियर कोट के साथ में देखने के लिए मिलेंगे। बहुत ही शानदार लुकिंग प्रोवाइड करते हैं। साइड मिरर्स आपको यहाँ पर दिए जाते हैं पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में। इंडिकेटर की प्लेसमेंट यही है। 360 डिग्री कैमरा के लिए यहाँ पर साइड व्यू कैमरा भी दिया गया है। इसके फेंडर पर आपको एल्पिन की बैचिंग भी देखने के लिए मिलेगी, उन्हीं के साथ कोलैब करके इस कार को मैन्युफैक्चर किया गया है। इसके अलावा साइड में क्लाइडिंग का पार्ट देखेंगे तो पूरी तरीके से पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है। डोर हैंडल्स आपको यहाँ पर कर्व की तरह फ्लैश वाले तो नहीं मिलते, नॉर्मल डोर हैंडल्स यहाँ पर दिए गए हैं। कार की रूफ पर देखेंगे कोई भी रूफ रेल्स की प्लेसमेंट तो आपको नहीं मिलती है, लेकिन एक बड़े साइज की पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पर जरूर दी गई है। पीछे की तरफ शार्प फिन एंटीना मिल जाता है। एक रूफ में इंटीग्रेटेड मिलता है स्पॉइलर, जिस तरीके से टाटा कर्व में भी आपको मिलता है। करें कार की रियर प्रोफाइल की, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सी यहाँ पर कार की रियर प्रोफाइल रखी गई है। हाई माउंट स्पॉट लैम्प की प्लेसमेंट आप देखेंगे इसके ग्लास के नीचे वाले पार्ट पर दी गई है। ग्लास पर आपको डिफोगर मिल जाता है, कोई भी वाइपर की प्लेसमेंट नहीं मिलती है। यहीं पर बात करें इसके टेल लैम्प्स की, तो कोई भी कनेक्टिंग टेल लैम्प्स नहीं है, जो कि इंडिया में आजकल ट्रेंड चल रहा है। और यहाँ पर देखिए इसके सेपरेटेड टेल लैम्प्स, और कितना प्यारा और एक शार्प सा लुक कार को प्रोवाइड कर रहे हैं। सेंटर में रेनो का नया वाला लोगो और राफेल की बैचिंग यहाँ पर देखिए कितनी ज्यादा अमेजिंग से स्टाइल में दी गई है। और राइट साइड में आपको ईटेक हाइब्रिड की बैचिंग भी मिल जाती है। रियर बंपर को देखेंगे तो यहाँ पर ये अगेन पियानो ब्लैक फिनिश और थोड़ी सी सिल्वर फिनिश में मिलने वाला है। दो रिफ्लेक्टर यहाँ पर दिए गए हैं। रियर पार्किंग सेंसर, रियर व्यू कैमरा यहाँ पर मिल जाता है। फ्रंट में भी आपको पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। कार के इंटीरियर में बढ़ने से पहले एक बार छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं टाटा कर्व और रेनो राफेल का, दोनों की डायमेंशन देख लेते हैं। तो रेनो राफेल की हमें यहाँ पर लेंथ देखने के लिए मिलती है 4710 mm की, और अगर आप इसे टाटा कर्व से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ 4310 समथिंग मीटर की आपको लेंथ मिलती है। तो 0.4 मीटर ये कार लंबी रहने वाली है टाटा कर्व के मुकाबले। चौड़ाई भी ज़्यादा है, 1860 mm की है। हाइट थोड़ी सी कम मिलती है कर्व के मुकाबले, 1610 mm की है। लेकिन यहाँ पर एरोडायनेमिक्स और इसकी स्टेबिलिटी जो है वो नेक्स्ट लेवल रहने वाली है टाटा कर्व के मुकाबले, तो हाइट यहाँ पर थोड़ी सी कम ही रखनी पड़ती है। चेकआउट कीजिए एक बार कार के इंटीरियर को, और पहली झलक में आपको इंटीरियर को देखकर समझ में आ जाएगा कि पूरी तरीके से ड्राइवर ओरिएंटेड यहाँ पर कार का इंटीरियर रहने वाला है। बड़े बड़े साइज की यहाँ पर स्क्रीन रहने वाली है। बात करें इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो यहाँ पर 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसमें हमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सभी चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम के जस्ट नीचे ही यहाँ पर एसी के मैनुअल कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं। हजार्ड के लिए एक स्विच मिल जाता है। सेंट्रल कंसोल में देखेंगे तो टाइप सी पोर्ट और यूएसबी पोर्ट दिए गए हैं। वायरलेस चार्जिंग यहाँ पर मिल जाती है। एक बड़े साइज का थोड़ा सा आप कह सकते हैं ग्रैब हैंडल टाइप का दिया गया है सेंटर में। ड्राइविंग मोड या फिर गियर सिलेक्टर के लिए ये नहीं है यहाँ पर। अलावा सेंटर में दोनों साइड से ओपन होने वाला एक आर्मरेस्ट मिल जाता है, जो कि लॉकेबल है, बहुत ही शानदार। इसके अंदर हमें स्पेस देखने के लिए मिलने वाला है। अब बात करें स्टीयरिंग व्हील के बारे में, काफी ज्यादा कमाल का और एक आपको स्पोर्टी फील देने वाला स्टीयरिंग व्हील यहाँ पर मिलता है। सेंटर में एक नीचे की तरफ देखेंगे तो स्टीयरिंग व्हील के यहाँ पर एक बटन दिया गया है ब्लू एलिमेंट के साथ में। ये बटन कोई भी आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए नहीं मिलता, ये मल्टी सेंस के लिए यहाँ पर बटन दिया गया है। और इसके साइड में देखेंगे तो ड्राइविंग मोड्स के लिए, इसके अलावा आपको मल्टीमीडिया से जुड़े सभी कंट्रोल्स यहाँ पर मिल जाते हैं। और लेफ्ट साइड में देखेंगे तो क्रूज कंट्रोल के लिए बटन दिए गए हैं, और कुछ डिफरेंट मोड्स हैं इस कार के अंदर, उसके लिए यहाँ पर स्विच दिया गया है। स्पोक स्टीयरिंग व्हील रहने वाला है। सेंटर में रेनो का नया वाला लोगो आपको मिल जाता है। बात करें मीटर के बारे में, तो ये भी पूरी तरीके से डिजिटल यहाँ पर इसका मीटर रहने वाला है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आपको एडास के सभी फीचर्स यहाँ पर शो करने वाला है। टायर प्रेशर मोनिटाइजेशन सिस्टम मिल जाता है। आइसोफिक्स यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर आपको सभी मोड्स तो शो करने वाला ही है। आपकी बैटरी को भी ये शो कर देता है कौन से मोड में कितनी पावर कहाँ पर जा रही है, किस तरीके से पूरा वर्क आपको यहाँ पर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिलने वाला है। IRVMs को देखेंगे तो ये भी आपको इलेक्ट्रिकल मिलते हैं डे नाइट वाले। इसी में आपको रियर व्यू कैमरा भी देखने के लिए मिल जाता है। बात करें इंटीरियर में, तो इसके आपके AC वेंट देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्लीक से डिज़ाइन में दिए गए हैं। पूरे इंटीरियर में भी आपको ब्लू एलिमेंट ही हर जगह यूज मिलेगा। इसके अलावा कार के अंदर जहाँ भी आपको सॉफ्ट टच देखने के लिए मिलता है, और इसकी सीट्स पर जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो पूरे तरीके से कंटारा लेदर इस्तेमाल किया गया, जो कि लैम्बोर्गिनी उरुस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। चेकआउट कीजिए एक बार इसकी सेकंड रो को, यहाँ पर आप देखेंगे एक बड़े साइज का आपको आर्मरेस्ट देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर आपको दो कप होल्डर्स दिए जाते हैं, एक आपको टैबलेट या फिर मोबाइल होल्डर दिया जाता है।
आपको चार्जिंग के लिए यहाँ पर USB पोर्ट्स भी दिए जाते हैं। बताइए, आर्म रेस्ट के अंदर USB पोर्ट दिए जा रहे हैं। 3 एडजस्टेबल यहाँ पर हेडरेस्ट मिलते हैं। रियर में सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पर AC वेंट्स दिए गए हैं और यहाँ पर भी अगेन आपको USB चार्जिंग पोर्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ये तो था इस कार का इंटीरियर, एक्सटीरियर, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, सभी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब बात कर लेते हैं इस कार की प्राइसिंग और लॉन्चिंग डेट के बारे में। तो सबसे पहले प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे। इस कार की प्राइस रहने वाली है इंडिया के अंदर 30-35 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। यहीं पर बात करें लॉन्चिंग डेट के बारे में, तो इस साल तो ये कार इंडिया के अंदर बिल्कुल भी लॉन्च नहीं होने वाली है। हो सकता है कि 2025 में रेनो प्लान करें इंडिया के अंदर इस कार को लॉन्च करने के बारे में, क्योंकि रेनो की इतनी अच्छी मार्केटिंग इंडिया के अंदर नहीं है, इतनी अच्छी सेल्स नहीं है। तो हो सकता है इस कार को लॉन्च करने के लिए इंडिया में रेनो काफी ज्यादा टाइम ले ले। लेकिन ये कार अगर इंडिया के अंदर आती है तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि एक कूपे स्टाइल SUV है, उसके बाद में हाइब्रिड मिल जाती है। इंजन काफी ज्यादा छोटे साइज का है, लेकिन मैक्सिमम पावर बहुत ही ज्यादा हमें मिल रही है हाइब्रिड सिस्टम होने की वजह से। तो यहाँ पर प्राइस इस कार के कम ही रहने वाले, एक अफोर्डेबल सेगमेंट में ये कार हो जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि ये टाटा कर्व को कंपटीशन देने के लिए कब इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आपका कोई भी सवाल है, आपको कुछ कहना है, तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और प्रेस कर दें बेल आइकन को।